एक बड़ी खबर इस वक्त हटा से मिल रही है, जहां अपहरण करने के बाद एक महिला से दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला के साथ दुष्कर्म किया आरोपियों ने, पहले तो महिला का किडनैप किया, उसके बाद राजस्थान ले गए और वहां महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। महिला के बच्चे को जान से मारने की आरोपी ने धमकी भी दी और एक नहीं कईयों बार आरोपी ने महिला को धमकी दी। पुलिस ने आरोपी नवाब खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब इस पूरी घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नाराज हैं। यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पुलिस थाने पहुंचे और विहिप ने, यानी विश्व हिंदू परिषद ने, इसे लव जिहाद का मामला बताया, क्योंकि जिस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया वो एक मुस्लिम है। हटा पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश मिश्रा का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ फोनलाइन पर। नरेश, क्या है पूरा मामला? ये हटा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला का अपहरण कर राजस्थान के सीकर में इसके साथ दुष्कर्म और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता और पति की शिकायत पर हटा थाना पीड़िता शिकायत करने पहुंची, उसके बाद उसे महिला थाना प्रभारी के पास दमोह देहात थाना भेजा गया, जहां आरोपी नवाब खान के विरुद्ध 363, 376, 376(2) सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के साथ जो हिंदू विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी हटा थाने पहुंचे हैं और पूरे मामले को लव जिहाद से जुड़ा होना बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी लगातार पीड़िता पर दबाव बनाकर उसका अपहरण करता रहा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा, साथ ही उसके बच्चे को भी धमकी देता रहा कि इसे जान से मार देंगे। किसी तरह जो पीड़िता है वो वापस अपने हटा क्षेत्र पहुंची तो आरोपी भी उसके पीछे आए और लगातार धमकी देता रहा। मजबूरन पीड़िता ने विश्व हिंदू परिषद को पूरा मामला बताया, अपने पति के साथ थाने पहुंची और पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर।